शिल्पा राज कुंद्रा। वैसे तो शिल्पा जी को लगभग लगभग सभी लोग यहाँ जानते ही होंगे, बाकी जो नहीं भी जानते होंगे वो पिछले कुछ दिनों में राज कुंद्रा जी की पब्लिक सिटी की वजह से जाने गए होंगे, जो कि उनके हस्बैंड हैं। शिल्पा जी एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और हाल फिलहाल में ही उनके हस्बैंड राज कुंद्रा जी को बॉलीवुड को अपनी सनी लियोनी देने के आरोप में पकड़ा गया। उन्होंने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनाने की कोशिश की जो कि बिना प्रमोशन के भी हिट होती है, हमारी गवर्नमेंट को ये बात समझ नहीं आई और उन्होंने राज कुंद्रा जी को फिलहाल रिमांड में लिया हुआ है। अब इस चीज़ को शिल्पा जी के बर्ड चार्ट से कैसे जाने, शिल्पा जी के बर्ड चार्ट में ऐसे क्या योग हैं जो कि शो करते हैं कि उनके हस्बैंड को इस समय में प्रॉब्लम होने वाली है, और सीधी सी बात है राज कुंद्रा जी अगर प्रॉब्लम में है तो उनकी वाइफ शिल्पा जी को भी प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो ये सारी चीज़ें किसी बर्ड चार्ट से कैसे प्रेडिक्ट होती है, किस तरह से समझा जाता है, आज की इस वीडियो में हम शिल्पा जी की जन्म कुंडली के द्वारा ये सारी चीज़ें जानेंगे कैसे किसी पत्नी के चार्ट से उसके हस्बैंड की लाइफ, उसकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आप जो बोर्ड पर हॉरोस्कोप देख रहे हैं ये शिल्पा राज कुंद्रा जी का हॉरोस्कोप है जो कि मैंने मकर लगन का लिया है। आप अगर एस्ट्रोलॉजी वेबसाइट्स पर जाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है आपको धनु लगन का ये चार्ट मिले, किंतु मकर लगन का लेने के पीछे भी कई विशेष कारण हैं जो कि सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। शिल्पा जी की हाइट काफ़ी अच्छी है, धनु लगन अगर लेते हैं तो कोई भी ऐसा योग नहीं बनता जिससे कि उनकी इतनी अच्छी हाइट शो होती हो। उसके बाद वो एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है, और आर्टिस्ट टैलेंट होने के लिए मैंने हमेशा से कहा है किसी भी व्यक्ति का पंचम भाव स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक पंचम भाव पंचमेश स्ट्रांग नहीं होगा तब तक कोई व्यक्ति आर्टिस्ट टैलेंट वाला नहीं होगा। तो इस कुंडली में मकर लगन लेने के ये दो विशेष कारण थे, पहला उनकी हाइट, उनका फेस स्ट्रक्चर। अगर आप उनके फेस को एनालिसिस करेंगे तो आपको सीधा सा समझ में आएगा कि वो मकर लगन है। उनकी नोज़ को भी अगर आप देखेंगे तो धनु लगन वाली नोज़ उनकी बिल्कुल भी नहीं दिखती, क्योंकि धनु लगन वालों की नोज़ पॉइंटेड होती है, तीखी होती है, मगर उनकी नोज़ तीखी नहीं है, पॉइंटेड नहीं है। उसके बाद पंचम भाव में शुक्र की राशि है, चंद्र यहाँ पर बैठा है और शुक्र और चंद्र का यहाँ पर परिवर्तन है, तो पंचम भाव अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और मैंने आपके साथ एक नाड़ी ज्योतिष का योग शेयर किया था जिसमें मैंने आपसे कहा था जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य चंद्र बुध और शुक्र का योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आर्टिस्ट टैलेंट होता है, और जब पंचम भाव भी इस योग के साथ स्ट्रांग हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट होता है, जैसे कि शिल्पा जी हैं। अब बात कर लेते हैं भाई इनके हस्बैंड के ऊपर किस तरह से, पहले तो हॉरोस्कोप के माध्यम से जान सकते हैं कि शिल्पा जी को एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन हस्बैंड मिला। तो कैसे जान सकते हैं कि किसी लड़की के हॉरोस्कोप से कि उसके हस्बैंड का स्टेटस क्या होगा और उसे किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप देखिएगा नाड़ी ज्योतिष में पति कारक जो ग्रह है वो मंगल है, और मंगल अगर आप इस कुंडली में देखेंगे तो मीन राशि में बैठा है, गुरु के साथ में बैठा है, और नाड़ी ज्योतिष का एक सीधा सा नियम है जब भी किसी ग्रह को गुरु ब्लेस करता है, क्योंकि गुरु को नाड़ी ज्योतिष में ईश्वर का वरदान माना गया है, तो जब भी किसी ग्रह को गुरु ब्लेस करता है, दृष्टि देता है या युति संबंध मनाता है तो ऐसे ग्रह को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मंगल के ऊपर गुरु का प्रभाव होने से यहाँ पर मंगल का जो स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आप देखेंगे मंगल के त्रिकोण में राहु बैठा है मंगल की ही राशि में, तो राहु की एक क्वालिटी होती है वो चाहे किसी ग्रह को कितनी भी प्रॉब्लम दे ले किंतु वो उसकी क्वालिटी में एक्सपेंड भी करता है। मैंने एक वीडियो में आपके साथ बहुत ही डिटेल में शेयर किया था कि राहु इज़ अ बूस्टर। तो यहाँ पर मंगल के ऊपर त्रिकोण से राहु का प्रभाव है जो कि अपने आप में मंगल की क्वालिटीज़ में, मंगल की नेचर में बूस्ट कर रहा है। एक योग आप देखेंगे अक्सर किसी भी लड़की की कुंडली में अगर मंगल के ऊपर गुरु और राहु का प्रभाव हो तो ऐसी लड़की का हस्बैंड बहुत ही अच्छे स्टेटस का, बहुत ही पैसे वाला होता है, क्योंकि राहु ने एक्सपेंड कर दिया और गुरु ने ब्लेसिंग दे दी। वरना तो अगर सीधा सीधा मंगल और राहु का अगर संबंध बन गया तो यहाँ पर मंगल को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। अब मंगल और राहु का संबंध तो यहाँ बन रहा है त्रिकोण से, मगर गुरु ने
उस संबंध के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। किंतु राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट्स कभी भी पूरी तरह से नहीं जाते हैं। गुरु के ब्लेस करने का इतना फ़ायदा हुआ कि उनको एक बहुत अच्छा स्टेटस वाला बड़ा बिजनेसमैन मिल गया, मगर राहु की नेगेटिव क्वालिटीज़ भी मंगल के अंदर आ गई, जिस वजह से वो बॉलीवुड को अपनी सनी लियोनी देने की कोशिश करने लगे। अब लाइफ में ये परेशानी कब होंगी, कैसे होंगी, इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शिल्पा जी के हॉरोस्कोप से देखें तो आप देखेंगे वर्तमान में इनके चंद्र के ऊपर से ही राहु गोचर कर रहा है। वृषभ राशि में इस समय राहु का गोचर है, और जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, चंद्र के ऊपर से राहु गोचर करता है तो ऐसे में मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता ज़रूर है जिससे कि व्यक्ति को मानसिक परेशानी आ जाती है। तो आप सीधा सा फिलहाल तो एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं इस ट्रांजिट को देख कर ही कि इस लेडी को मेंटल स्ट्रेस होने वाला है, ये लेडी डिप्रेशन में जाने वाली है, किसी ना किसी तरह से इसकी रातों की नींद उड़ने वाली है। अब जब राहु वृषभ राशि में है तो सीधी सी बात है केतु वृश्चिक राशि में आएगा, क्योंकि वर्तमान का गोचर है। और आप देखेंगे केतु का प्रभाव सीधा सीधा मंगल के ऊपर आ रहा है, और मैंने एक योग आपके साथ शेयर किया था, जब भी केतु मंगल के ऊपर प्रभाव देता है, क्योंकि मंगल हस्बैंड इंडिकेटर प्लैनेट है, पति कारक ग्रह, तो पति की लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम देगा ही देगा, कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख भंग का योग बनाएगा ही बनाएगा। तो यहां पर चंद्र के ऊपर राहु आया, मेंटल स्ट्रेस दिया, और स्ट्रेस दिया किस वजह से, पति की वजह से, क्योंकि पति की राशि यानी वृश्चिक राशि में केतु का गोचर हो रहा है और मंगल के त्रिकोण से हो रहा है, तो ये यहाँ पर क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे केतु का प्रभाव सीधा सीधा त्रिकोण से इनके सप्तम भाव पर भी आता है। सप्तमेश स्वयं से इस समय राहु से पीड़ित है, तो यहाँ पर सीधा सा इंडिकेशन जाता है कि मैरिड लाइफ रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। और इस कुंडली को देखकर आसानी से कहा जा सकता है कि अब आने वाले समय में राजकुंद्रा जी का जो भी हो, मगर इनकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी नहीं रहने वाली है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज आने वाले हैं, और ये स्थिति सेपरेशन तक भी जा सकती है। मगर इस समय एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि शिल्पा जी की लाइफ में ये जो भी उथल पुथल चल रही है, इससे इन्हें कब राहत मिलेगी, कब ये सब जाकर एक नॉर्मल स्थिति में आने की संभावना है। तो वर्तमान में अगर आप देखेंगे गुरु कुंभ राशि से गोचर कर रहा है, और गुरु इस समय वक्री है, और वक्री होकर वो आएगा मकर राशि में। तो जब तक गुरु मार्गी होकर कुंभ राशि में नहीं आ जाता, तब तक इनको रिलीफ मिलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि अगले 3 महीने इनके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल जाने वाले हैं, और जब तक गुरु मीन राशि में नहीं आ जाता तब तक राजकुंद्रा जी को किसी भी तरह का रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि मीन राशि में बैठा है इनका मंगल जो कि पति कारक ग्रह है। अब पति को गोचर में ब्लेसिंग्स मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, तभी राजकुंद्रा जी को कुछ रिलीफ मिलेगा ना। तो गुरु जब मीन राशि में आएगा, यानी कि अगले 1 साल तक इनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस रहने वाला है, राजकुंद्रा जी को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है, और ये जो गोचर अपने आप में दिख रहा है वो इनकी मैरिड लाइफ के लिए तो बहुत ख़राब है ही। और ये एक विशेष रीज़न है जिस वजह से मैंने मकर लगन लिया, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर 5 और 7 का एक्सचेंज है जो कि लव मैरिज को शुरू कर रहा है। शिल्पा जी ने अपनी मर्जी से शादी की, लव मैरिज की। उसके बाद सप्तमेश भी राहु के प्रभाव में परिवर्तन की वजह से आ जाता है, और सप्तमेश जब राहु के प्रभाव में आता है तो एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि इस कुंडली में पति के साथ किसी ना किसी तरह के इश्यूज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद यहाँ पर पैसे का नुकसान हो रहा है, स्टेटस का नुकसान हो रहा है, तो वो भी आप कह सकते हैं कि पंचम भाव में राहु का गोचर शुक्र, चंद्र, बुध
और सूर्य पर हो रहा है, तो ये स्थिति अपने आप में फाइनेंशियल और स्टेटस लॉस दोनों को दिखाती है, डिफेम को दिखाती है। बहुत सारे पॉइंट्स अगर आप देखेंगे इस मकर लग्न कुंडली में बनते हैं, जो कि पूरी तरह से ये कहते हैं कि इनका लग्न मकर ही होना चाहिए। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।